हेलो गाइस दिस इज़ कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर स्टडी सेंटर के आज के सिलेक्शन में हम देखेंगे रशिया एंड चाइना बिकॉज रशिया ने चाइना के साथ एस फोर डील को सस्पेंड कर दिया है बट इससे पहले रशिया ने चाइना को दो बैचेस में एस फोर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है यह तीसरा बैच था ऑफ एस फोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इस और इस सिलेक्शन में हम देखेंगे एस फोर जो वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इस और इसके बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि रशिया ने आखिर क्यों ऐसा किया सो लेट स्टार्ट एस फोर हंड्रेड एयर मिसाइल एस फोर हंड्रेड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम दैट कैन इंटेलिजेंस ट्रेक ऑब्जर्ट इनकम न्यूम इनकमिंग ऑब्जेक्ट जो अपनी तरफ आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते like लाइक वो चाहे वो मिसाइल हो यूवीज हो या एयरक्राफ्ट हो और उनको कुछ किलोमीटर पहले उनको उनको मिसाइल लॉन्च करके डिस्ट्रॉय भी कर सकता है या न्यूट्रलाइज भी कर सकता है सो मैनी टाइम्स यू एस ए कंट्रीज़ हु कंसिडर टू बाई एज फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रसिया थ्रो काटसा एक्ट बिकॉज यू एस ए टेल कि आप एस फोर एस फोर हंड्रेड ना खरीद के हमारा इंडिजीनियसली एयर डिफेंस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदो सो लेट सी वाट इज काट्सा एक्ट सो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट दैट इज कॉल्ड काटसा सो काउंटरिंग अमेरिका इज ए यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ डेट इम्पोज सेंक्शन ऑन ईरान नॉर्थ कोरिया एंड रशिया सो इस कार्डसर एक्ट के थ्रू ईरान कोई भी कंट्री ईरान नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ ट्रेड या ट्रेड करती है तो उस कंट्रीज पर यू अपने सेंक्शन लगाएगा इस लॉ के थ्रू यू उस कंट्री के खिलाफ सेंक्शन लगा सकता है सो इट इंक्लूड सेंक्शन अंगेंस्ट कंट्री डेट इंगेज सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रसिया डिफेंस इंटेलिजेंस सिस्टम ऑल्सो सो यहाँ पर रसिया के साथ जो कंट्री एस फोर हंड्रेड डील को कंसिडर कर रही थी उन पर काटसा काटसा एक्ट के तहत उनको सेंक्शन इम्पोज कर सकता था सो इंडिया कुड भी फेस सो इंडिया भी रशिया के एड एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिस्टम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंसीडर कर रहा था सो इंडिया को भी फेस यूएस एस सेंक्शन फॉर परचेजिंग हाई वैल्यू मिलिट्री डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया अंडर द एक्ट बट ड्यू टू डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड इंडिया मैन यूएसए यूएस एस एस एज सेंशन एंड इंडिया इज सेट टू रिसीव इट्स फर्स्ट सिस्टम इन टू ट्वेंटी ट्वेंटी सोन सो इंडिया ने डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू यूएसए के सेंशन को बाईपास करके रशिया के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली परचेज कर लिया है और इन ट्वेंटी ट्वेंटी में इस इन एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिसीव भी करेगा सो करेंट ऑपरेटर ऑफ एस फोर एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज़ रशिया ऑलरेडी बिकॉज इट्स अ ओनर इट्स अ क्रिएटर देन बेलारूस, एल्जेरिया चाइना टर्की दीज कंट्रीज आर करेंटली करेंट ऑपरेटर ऑफ एस फोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड इंडिया एंड सऊदी अरेबिया आर बोथ आर इन द लाइन टू गेट एस फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम सो इंडिया और सऊदी अरेबिया ये दोनों लाइन में हैं एस फोर हंड्रेड को ख़रीदने के सो so, न्यूज़ में ये है कि रशिया ने चाइना के साथ एस फोर हंड्रेड की जो नेक्स्ट डील को उसको सस्पेंड कर दिया है एंड कहा है कि इट्स सिर्फ फर्दर डिलीवरी सी एट टू असेंटेड अगर आगे कुछ होता है तो उनको बता दिया जाएगा So, आखिर रशिया ने ऐसा क्यों कियाउस चाइना so, में चाइना को यह पहला एयर डिफेंस सिस्टम मिला था सो so, ये अब रीजन वाई इज रशिया डू दिस सो सो हंड्रेड मिसाइल टू चाइना कम आफ्टर द मॉस्को एट अलियर एक रशिया ने बीजिंग को स्पाई के तहत उनको उल्जाम लगाया बोला कि बोला है कि उनके चाइना की स्पाइंग एजेंसी चाइनीज के इंटेलिजेंस उनकी ही प्रेसिडेंट जो कि सेंट स्ट्रीट आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट वेलेरी मिट को उनके साथ कुछ सीक्रेट्स सी डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर रही हैं विद चाइनाज चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी और इन्वेस्टिगेट ऑल्सो टारगेट चाइना रशिया के इन्वेस्टिगेटर उन्होंने ऑल्सो टारगेट किया उनको एलिज और उन्होंने बताया कि वेलीरिजी को जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट हैं उन्होंने और भी डॉक्यूमेंट्स चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ शेयर किए अर्ली दो हज़ार अठारह में दो हज़ार अठारह के अर्ली में देन चाइनाज की डेलिन डेलियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी उनके साथ भी इन पेपर्स को शेयर किया है सो अकॉर्डिंग टू पेबलॉव जो कि वहाँ के जो न्यूज न्यूज एजेंसी हैं उन्होंने बोला है इधर डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन डील्ड विद हाइड्रो जो वो ये डॉक्यूमेंट कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वहाँ की वहाँ की जो स्टडी है जो इनको हाइड्रो अकोस्टिक बोलते हैं ये स्टडी पानी के अंदर वाटर मूवमेंट जो कि स्टडी ऑफ द साउंड इन वाटर कॉमनली जो पानी के अंदर स्टडी साउंड की स्टडी को साउंड की स्टडी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो स्टडी कर रही थी और इन सिंपल लैंग्वेज इन सिंपल लैंग्वेज पानी के अंदर अंदर नेविगेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग सब एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के ये सारे डॉक्यूमेंट्स से इन आर्कटिक रीजन सो इसमें आर्कटिक रीज़न काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण रीज़न है सो आर्कटिक रीजन या एयर काउंसिल बिकॉज आर्कटिक रीजन या एयर काउंसिल वो उतार

इस पिक्स में आपको इस इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि वेर पार्ट इज ये आर्टिक सर्कल जो सर्कल है इस सर्कल को आर्टिक सर्कल बोलते हैं इस आर्टिक सर्कल में काफ़ी बड़ा लैंड रशिया के अंडर आता है देन कनाडा यू एस बिकॉज अलास्का ग्रीन लैंड देन नॉर्वे एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो डिट इज कॉल्ड आर्टिक आर्टिक सर्कल एंड यह दूसरा इमेज है जिसमें और क्लियर आएगा ये ऊपर की डार्क कंट्रीज आर्टिक काउंसिल मेंबर कंट्रीज हैं देन दिस इज एंड यूरोपियन सम यूरोपियन कंट्रीज एंड चाइना एंड इंडिया ऑल्सो आर आर्टिक काउंसिल ऑब्जर्वर कंट्रीज ये ऑब्जर्वर कंट्रीज जो वहाँ पर जिनकी ऑब्जर्वरी है या उनकी लेबोरेटरी है वहाँ पर ये इन कंट्रीज़ की वो वहाँ जाकर अपनी लैब इस्टेब्लिश करके वहाँ की चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें चाइना एक अब एक ऑब्जर्वर कंट्रीज है बट चाइना विद दी हेल्प ऑफ रशिया नियर वो अपने आप को ए नियर आर्टिक स्टेट बोलता है और सिग्निफिकेंट इज एफर्ट टू इंक्रीज द प्रेजेंस सो अपनी अपनी इनक्रीज को और ज़्यादा अपने प्रेजेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए रशिया की हेल्प से रशिया की हेल्प से बाकी जो अदर कोस्टल स्टेट हैं वहाँ की उनको बाईपास करता है बिकॉज ये कोस्टल स्टेट या तो यूएस के अलाइस हैं या नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है उनकी उनकी अलाइज हैं सो चाइना ये सब चीज़ों को सरपास करता है अपने आप को ए नियर आर्टिक स्टेट बोलता है सो so, रसिया और रशिया अपने आर्टिक रीजन में आर्टिक रीजन में उस आर्टिक सॉरी आर्टिक रीजन को और रिवंप करने के लिए चाइना की इन्वेस्टमेंट को इस रीजन में लाना चाहता है बिकॉज ए प्रायोरिटी ऑफ रिवेंग इट्स रीजन विद इन द दर्टी सर्कल विच वर लार्जली अबेंडेंट आफ्टर द्स एस आर के लॉब्स यू एस एस आर के कोलब्स होने के बाद इस रीजन को रिवें्प करने के लिए रशिया वांट चाइनाज इन्वेस्टमेंट सो इन इनटीन सो टू थाउजेंड मार्च टू थाउजेंड में व्लादिमिर पुतिन अनवीड एम बी बी एस आर्टी टू आर टी ट्वेंटी थर्टी फाइव प्लान इन होप टू ब्रिंग जॉब बैक इन दिस रीजन सो 2019 में आर्टिक दो हजार थर्टी फाइव प्लान को उन्होंने एंडोर्स किया ताकि उस रीजन में जॉब्स को ला सकें बाय डेवलपिंग ह्यूज एनर्जी प्रोजेक्ट वहाँ काफ़ी बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करके डेट चाइना हेवली इन्वेस्टेड इन बिकॉज ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड रशिया इज़ लुकिंग टू एक्सपोर्ट ऑयल एंड गैस एज द नदर सी रूड बिकम इंक्रीजिंग फ्री ऑफ आइस जो कि नदन रूट है जो काफ़ी फ्री ऑफ वाइस हो गया है बिकॉज ऑफ नेविगेशन उस यूज, उस, यूज, उस सी रूट उस उस रूट का यूज़ करके वहाँ ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट कर सके सो सिंस रशिया ग्लोबल फायर इंडेक्स में सेकेंड पोजीशन पर आया एंड आफ्टर रशिया एंड यू के, के सेंशन की वजह से रशिया की इकोनॉमी भी काफ़ी स्लो प्रोग्रेस कर रही है और आफ्टर कोरोना पेंडेमिक ऑल वर्ल्ड इकोनॉमीपर्ड एंड रशियाज इकोनॉमी ऑल्सो हैम्पर्ड सो रशिया की मेन प्रॉब्लम अभी तो इकनॉमी ही रिपेम्प करना है और वहाँ पर जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो भी काफ़ी हाई है सो so, इसी वजह से रशिया वांटेड चाइना इन्वेस्टमेंट टू रशिया बट विदाउट हैम्पर इट्स ओन ग्लोबल इमेज सो बट मतलब मीन्स बट आफ्टर द चाइना रशिया कोलिजन ग्लोबली ऑल आर सीइंग कंसीडर्ड रशिया एज रज असिस्टेंट ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ सेकंड बिग इकोनॉमी चाइना जो कि वर्ल्ड के अभी बैक सेकंड बिग इकनॉमी है और यूएसए चाइना का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड अदर थिंग्स सो ऑल वर्ल्ड इकोनॉमीज आर कंसिडर्ड चाइना आफ्टर द यू सो दिस इज वाई कंसर्न चाइना टू कंसिडर एस फोर हंड्रेड सस्पेंशन ऑफ एस फोर हंड्रेड डील एंड अदर रीजन आर इज की चाइनाज इमेज टू स्पाइंग कंट्री सो इस चीज को लेकर भी चाइना काफी कंसर्न था और रिसेंटली चाइना सो कंसर्न अबाउट वाधि वस्तव वैन रशिया सेलिब्रेटेड इट्स एनिवर्सरी सो रशिया जब व्राधि वस्तव किस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था तो चाइना ने अपना कंसर्न शो किया कि दिस इज़ आर हिस्टोरिकली रिलेटेड ऑफ लैंड सो तो इसी बात को लेकर रशिया टेक दिस डिसीजन एंड सस्पेंड एस फोर हंड्रेड डील टू चाइना सो तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा सो तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द आइकन फॉर मोर अपडेट्स धन्यवाद